39.38 मीटर्स। तुम प्रैक्टिस पे बहुत कम ध्यान दे रहे हो शिवा, और उधर प्रकाश दिन के 12 घंटे प्रैक्टिस करता है। अगर ऐसा चलता रहा तो प्रकाश जरूर जीत जाएगा। प्रैक्टिस छोड़ो, फाइनल में देखेंगे। हाँ, पहले पार्टिसिपेट तो करने दो, पता लगाओ ये प्रकाश रहता कहाँ है। ठीक है शिवा, वो देख दिव्या। वो लड़का कौन है और दिव्या उससे क्या बात कर रही है? जब से ये कॉलेज में आई है तो इसके पीछे पड़ा हुआ है। तू इसे 100 बार आई लव यू बोल चुका है, ये तुझे 200 बार इनकार कर चुकी है। इसे भूल जाना यार। हम जरा प्रकाश पे ध्यान दें। उस प्रकाश से हम लोग बाद में निपटेंगे, पहले इससे निपटता हूँ। ए, ए, शिवा। क्या कर रहा था उसके साथ? हाँ? मैं नोट सेक्शन कर रहा था। नोट सेक्शन कर रहा था। अब करेगा? अब करेगा? निकल! और तू क्यों बात कर रही थी उससे? क्या लगता है वो तेरा? तुझे अच्छा लगे या बुरा, तू सिर्फ मेरी है। जो भी तेरे पास आएगा उसे मैं मिटा दूंगा। तेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ। मई के इस महीने में 18 तारीख को शुभ मुहूर्त है। गौतम और दिव्या की इसी मुहूर्त में शादी हो जानी चाहिए। 12:13 पर यदि इनकी शादी हो गई तो इनका जीवन सुख से व्यतीत होगा। बेटी, ये मामूली अंगूठी नहीं है, हमारे खानदान की शान है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना बहू। दिव्या, ये एंगेजमेंट रिंग है, बहुत खूबसूरत है। वाओ, सगाई हो गई और हमें बताया भी नहीं। किसी और लड़के से बात करती है तो शिवा पागल हो जाता है। अगर उसे पता चल जाता कि मेरी सगाई हो गई है तो पता नहीं क्या करता। शिवा आ रहा है क्या? दिव्या, लगता है इतने सालों में तुम मुझे जान नहीं पाई। तुम्हें लगता था तुम सगाई करोगे और मैं तुम पर भड़क जाऊंगा। ऐसा नहीं है, तुम्हारी सगाई होने पर भी मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तुम्हें जान से मार दूंगा। शिवा, न जाने मैं तुमसे कितनी बार कहती रही कि तुम मुझे पसंद नहीं, लेकिन आज जानकर अच्छा लगा कि तुम भी मुझे नहीं चाहते हो। अगर तुम मुझसे दिल और जान से प्यार करते तो मुझे चोट पहुंचाने के बारे में कभी भी नहीं सोचते, मुझे तंग नहीं करते, मुझे मारने की धमकी नहीं देते। ये प्यार नहीं, हैवानगी है। मुझे भूल जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम सिर्फ मेरी हो। अंगूठी मुझे दो। नहीं शिवा, नहीं शिवा, शिवा छोड़ दो। नहीं शिवा, ये मेरी अंगूठी है, ये मेरी सगाई की अंगूठी है शिवा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर अंगूठी नहीं मिली। अब बहुत रात हो चुकी है बेटा, तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं ऐसे घर नहीं जाऊंगी। वो अंगूठी बहुत कीमती है, उसे मेरी होने वाली सास ने मुझे संभाल के रखने को कहा। फिक्र मत करो बेटा, मैं रात भर में कैसे भी तुम्हारी अंगूठी ढूंढ लूंगा। मेरी बात मानो, इस वक्त तुम घर चली जाओ बेटा। देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, तुम्हारे घर वालों को फिक्र हो रही होगी। तुम जाओ। दी, दी, क्या हुआ दी? अब रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? ये कैसे हुआ? Come on boys, 10 और राउंड। राहुल, come on। शिवा का वो रहा। तुम नहीं जानते इसने क्या किया है। मेरी बहन की अंगूठी घुमाई है। जब तक ये ढूंढेगा नहीं, यहाँ से जाएगा नहीं। तुम में से कोई बीच में आया तो काट दूंगा। कहाँ है रिंग? तूने फेंकी थी ना? ढूंढ के थे। मुझे नहीं पता, नहीं पता। मेरी बहन पर हाथ उठाया था। अरे छोड़ूंगा नहीं तुझे। अंगूठी नहीं मिली तो जिंदा काट दूंगा तुझे। ढूंढ ढूंढ उस अंगूठी को, ढूंढ कुत्ते। ए, रुक क्यों गया, रुक क्यों गया? ढूंढ साले, ढूंढ उस अंगूठी को। देख देख क्या है या नहीं, देख ढूंढ साले। छाल मार ग्राउंड को। मेरी बहन को मारने की हिम्मत कैसे की? ढूंढ साले। क्या हुआ इससे? प्लीज सेव हिम डॉक्टर। खून बहुत बह गया है। चलो चलो जल्दी करो, हरी अप। चल। कमिश्नर, कमिश्नर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? इसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, प्लीज आप इसके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। कमिश्नर साहब ये मेरा पेशेंट है। डॉक्टर तुम्हारे लिए होगा ये सिर्फ एक पेशेंट, लेकिन ये मेरा बेटा है। अरे नालायक, मैंने कितने अच्छे से तेरी परवरिश की है, लेकिन देख आज तूने अपनी क्या हालत बना ली है। एक गुंडा बन गया है। मेरी पावर का इस्तेमाल करके तुमने ना जाने कितने अपराध किए हैं। बस अब और नहीं। आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं। जो करना है कर, मरना है तो मर जा। और हाँ, अब मैं तुझसे तभी मिलूंगा जब तू पूरी तरह से सुधर गया होगा। गुड बाय। शिवा, शुभ मुहूर्त तो निकल गया है। दिव्या की शादी हो गई है। एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब सारे हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे। मैंने सुना है राहुल अपने घर हैदराबाद फ्लाइट से जाने वाला है। अगर उस कमीने को अभी नहीं पकड़ा तो उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। वो साला आज फ्लाइट में चढ़ना नहीं चाहिए। अगर चढ़ना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस पर। कैसा है हर्षद? हाय रवि। हाय, कैसा है? अच्छा हूँ यार। गुड। एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए। ओके, राहुल कहाँ है? अपने रूम में यार। क्यों? उसने आज हैदराबाद जा रहा है ना वो, तो इसलिए सी ऑफ करने आया हूँ। ओके, वो ऊपर ही है। अच्छा हर्षद, राहुल का रूम नंबर 125। थैंक्स यार। शिट। इतने लोग बाहर आ। आशीष तू भी आ। सचिन जल्दी आ। रवि लड़के लेकर आया है राहुल को मारने के लिए अपने हॉस्टल में। हाँ यार। कितने लोग आए हैं? 10 लोग तो होंगे ही। अरे चलो चल के देखते हैं, राहुल की धुलाई होने वाली है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौका आया। चलो भाई पास से देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बॉस ये तो वीडियो शूट करियो, ठीक है? 125। ए राहुल बाहर निकल। ए राहुल दरवाजा खोल। तू खोलता है कि मैं तोड़ दूं? निकल बाहर। ए मानतेश दरवाजा तोड़। भाई ये तो हमारे हाथ लगाने से पहले ही दुनिया से निकल लिया। यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हम इसे मारने थोड़ी ना आए थे। यार अब क्या करें? पुलिस को फोन करते हैं। ए रवि यार इसके पैर हिल रहे हैं, मतलब ये जिंदा है। नीचे उतार इसे। जल्दी ये ले। इस पर पैर के रस्सी खोल। जल्दी कर। जल्दी कर। जल्दी कर। नीचे आराम से रख। राहुल आंखें खोलना। राहुल बोतल देख। वो राजा के रूम में पहुंच गया होगा और उसे मारना भी शुरू कर दिया होगा। हाँ हटो रास्ते से। जल्दी लेके जाओ इसे। एम्बुलेंस को फोन किया ना। चलो जल्दी करो। चलो जल्दी करो। जल्दी संभल कर। तू बोला था राहुल की पिटाई होगी ना। अबे उसे देख वो झूला झूल रहा है। जीते जी चार कंधों पे जा रहा है। साले अच्छा भला अच्छे सपने ले रहा था, तूने नींद खराब कर दी। जल्दी करो यार, पार्टी के लिए लेट हो रहा है। राहुल चिंता मत कर, राहुल मैं संभाल लूंगा। कम ऑन बॉयज, जल्दी जल्दी, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। कम ऑन फास्ट फास्ट। चलो चलो चलो। ये साला नाटक कर रहा है। खटिया नीचे पटक। अपने आप को ज्यादा शाना समझता है। मारो इसे। रुको, क्यों बे? तुम जिसे चाहो मारोगे और जिसे चाहो बचाओगे, वो सब चलता है। अच्छा भला मर रहा था तो आके मुझे बचाया। मुझे पूछा था क्या? देखो पहले मुझे मारना चाहते हो या बचाना चाहते हो, या आपस में डिसाइड करो। कर लो कर लो। आ जाते हैं सुबह। मारेंगे, फैसला कर लिया। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पक्का ना? पक्का। इसके बाद फैसला बदला ना तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। ओके कम ऑन, मारना शुरू करो। एक मिनट। मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है, जरा वो पूरी करोगे? वो दरवाजा मुझे बचाने के लिए किसने तोड़ा था? कुछ नहीं यार, बस उसे एक जोर की झप्पी देना चाहता हूँ। उसे थैंक्स बोल के स्वर्ग जाना है मैंने। राहुल अरे मंतेश, तू मेरा असली वाला दोस्त निकला यार। तूने मेरी जिंदगी बचाई। सुपर्ब है यार तू। थैंक यू मेरे भाई। क्या हुआ दोस्त? सबसे पहले मैंने देखा कि तू जिंदा है। तेरी जिंदगी बचाने वाला मैं हूँ। सचमुच? हाँ। तो वो तूने कहा था, अगर तूने बताया ना होता तो मैं मर गया होता। मेरे दोस्त I love you यार, तू तो भगवान का रूप है, सच्चा तेरे दोस्त। गले से रस्सी निकालने वाला भी मैं ही हूँ। ज्यादा सेंटी मत हो। मुझे एक और बात याद आ रही है, किसी ने वहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने की बात की। उसकी आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। कौन है? कौन है वो बड़े दिल वाला इंसान? बताओ बताओ ना। तुम थे या फिर तुम? कौन था? वो मैं था। मुझे फेंक मत। कौन था? मैं था राहुल। यार तू प्लीज जोक मत मार यार। कोई तो राहुल कि वो एम्बुलेंस को फोन करने के लिए मैंने कहा था। चुप कर यार, तू बड़ा फेंकू है। मुझे कहा था भाई। राजा। हाँ। 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 दिल है या समंदर है यार, दुश्मन की जान बचाने के लिए इतनी मेहनत की है तूने। मान गए यार। सीखो सीखो इससे कुछ। इसी फ्रेंडशिप कहते हैं। हम आज यहाँ क्यों आए? मैं पिटता रहूं और तुम हंसते रहो, ऐसा प्लान किसका था? छोड़ो, सब सपने ही है यार। कोई अपने लोगों पर हाथ उठाता है क्या? आ जाओ पास, आ जाओ यार। गले लगाओ एक दूसरे को। अबे इतना कोई लेट आता है यार। हाय चलो लेट्स गो। स्टॉप, दैट नॉट अलाउड। बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, अरे हाय गाइस, लेट्स गो। देख चले इंडिगो के लिए। ओके सर। वो देख रहा सामने क्या रे? अरे क्या माल है रे, कमाल की लग रही है भाई। वो देखना अपनी भाभी ने। सही है रे, टोटा है टोटा। तो ये काम करना पूछ क्या? तो भाभी जी आपका नाम क्या है भाई साहब? पूछ रहे। इसने तो टैटू टूटू से भी बनवा रखे हैं। मेरा नाम भी लिखवा रखा होगा कहीं पर, देख ले जाके। आगे लेना। अबे ऑटो। ऑटो जा रहा है, जल्दी जल्दी आगे ले लो आगे ले लो। अरे निकालो यार गाड़ी, अबे ट्रक क्या कर रहा है, अबे निकाल यार। हेलो मम्मा, क्या हुआ? मैं शादी करने के लिए एकदम रेडी हूँ, अभी लड़का ढूंढो और अभी मेरी शादी करवा दो। ये क्या कह रही है तू? मेरे सामने MDS ज्वेलर्स का एक बड़ा सा पोस्टर है, इतनी सुंदर चूड़ियाँ हैं कि क्या बताऊँ। जो मुझे ये चूड़ियाँ खरीद कर देगा ना, मैं बस उससे शादी कर लूंगी। हे, ऐसा कुछ मत करना, चूड़ियाँ देखते ही पागल हो जाती है। मैं तुझे दिला दूंगी, ठीक है? ओह पक्का ना मम्मा? ओके थैंक्स। अच्छा शादी का प्रोग्राम कैंसिल, ओके बाय बाय। पागल लड़की चूड़ियों की दीवानी है। मैं दिलाऊंगा तो शादी करोगी? आ जाओ जल्दी जल्दी। Traveling to Calcutta on flight number NH303, please proceed towards security check. Excuse me, ma'am. Yes. Is that yours? Oh, thank you so much. My pleasure. Ma'am, excuse me. What? Your money just fell down. Oh, thank you. You're welcome. Thank you. Yeah, it's all your money. Thank you very much. Yeah. How may I help you, ma'am? मुझे एक वेज सैंडविच चाहिए और एक कॉफी। Sure, ma'am. 130 रुपए मैम। हाँ। थैंक यू मैम। बॉस सुनो जरा, यहाँ ना ये क्या है? पनीर सैंडविच। ओह पनीर सैंडविच, आई लव पनीर सैंडविच। ये 5 पैक कर दो। या और कुछ सर? ये क्या है? चॉकलेट कुकी। ओह चॉकलेट कुकी सो यम्मी। 5 पैकेट पैक कर दो। और कुछ? ये क्या है? ये केक है। ये केक भी कोई खाने की चीज़ होती है? टेस्टी है सर। अच्छा अच्छा चलो ये भी 1 पैकेट दे दो। ओके सर। और कुछ रखा है अंदर? कुछ फ्रेश फ्रेश? मेरा लंच बॉक्स है सर। लंच बॉक्स है? नहीं नहीं वो तुम ही खाना। ओके। हेलो कौन बोल रहा? अपनी माँ को नहीं पहचाना बेटा? ओह मॉम आप, सॉरी मैंने आपका नंबर नहीं देखा, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। कहीं तो कुछ भूल तो नहीं रहा? मेरी मेमोरी परफेक्ट है माँ, आप बताइए मैं क्या भूला हूँ। आज सुबह ही दिल्ली में सिमरन की डिलीवरी हुई है, मैंने तुझसे कहा था कि जाके उससे मिल लेना, तू मिला कि नहीं? मिला ना। तू गया था वहाँ? हाँ गया था माँ। लड़का हुआ या लड़की? लड़की है माँ, बहुत सुंदर है। अच्छा इतनी सुंदर है? तुम सोच भी नहीं सकती। दिखने में कैसी है? मम्मी पे गई है या पापा पे? मम्मी पे गई है या पापा पे ये तो नहीं पता, पर क्या कॉम्प्लेक्शन है। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरा चेंज दे दीजिए। और उसकी आँखें इतनी काली है कि उनमें डूब जाने का मन करता है। मतलब बहुत खूबसूरत है? सिर्फ खूबसूरत नहीं है माँ, लाजवाब है। ऐसी लड़की मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी है। अच्छा हेल्दी तो है ना? वेट कितना होगा? एग्जैक्ट वेट तभी पता चलेगा जब मैं उसे बाहों में उठाऊंगा माँ। थैंक यू। ये तो क्या कह रहा है? तुम यहाँ पे रुक जाओ, मैं जरा न्यूज़पेपर लेके आती हूँ। कहाँ चली गई? कृपया ध्यान दीजिए, इंडिगो से जाने वाले सभी यात्रियों से निवेदन है कि वे गेट नंबर 6 से प्रस्थान करें। Ladies and gentlemen, passengers flying by flight number 110 to Hyderabad, kindly note the flight has been delayed by 30 minutes. Inconvenience is regretted. Thank you. May I see your boarding pass? हे भगवान भगवान भगवान, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा भगवान, ये मेरी फर्स्ट और लास्ट विश है भगवान। यहाँ सीट खाली है और मेरा दिल भी खाली है, उसे यहाँ बिठा दे भगवान, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, तूने मेरी सुन ली। तू ग्रेट है, तू ग्रेट है, तू सबसे बढ़िया है। थैंक यू। Oh God, God, God is great. No, no, no. मैं उसके पास नहीं बैठ सकती. Please give me another seat. मैं कहीं भी बैठ जाऊंगी. पूरी प्लेन में कहीं भी जगह नहीं. I'm sorry, ma'am. Wish me good luck, God. अंकल। हाँ बोलो। ये बैग ऊपर रख देंगे प्लीज? हाँ हाँ लाओ। थैंक यू, थैंक यू। हैदराबाद जा रही हो? नहीं, मैं रायपुर जा रही हूँ। इडियट। हाय, आई एम राहुल। मुझे पता है। हाँ? वो क्या है ना कि कॉलेज में हम लोग अजीब अजीब चीजों को राहुल नाम से ही बुलाते थे। अच्छा, हाँ। वाओ, कैसे मुझे बताओ? तो राहुल तो नहीं हो गया? तू इंसान है या राहुल है? तुम्हारे कंप्यूटर को राहुल लग गया है क्या? यूज एंटी राहुल सॉफ्टवेयर। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुझे राहुल समझा है क्या? तू आराम से सो केकड़े। यस सर। हाय, मुझे प्लीज 2 नींबू ला के दीजिए। व्हाई? मुझे टेक ऑफ की एलर्जी है। पिछली बार जब टेक ऑफ हुआ था तो पास बैठे पैसेंजर पर मैंने वॉमिट कर दिया था। क्योंकि उस दिन मैंने भरपेट खाना खाया था और उसी वजह से मुझे वॉमिटिंग हो गई। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सो प्लीज। ओके सर। या थैंक्स। सर। ओह थैंक यू। तुम टेंशन मत लो, आई विल ट्राई माय बेस्ट नॉट टू वॉमिट। सुनो प्लीज मेरे हाथ को थोड़ा मसाज कर दो। नो वे, प्लीज कर दो वरना वॉमिटिंग हो जाएगी। कोई बात नहीं, तैयार है ना? मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन इस तरह सबके सामने मुझे इस तरह छूना, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम्हारी नहीं तो मेरी इज्जत का सोचो। थैंक्स। इडियट। सेम टू यू। आज का भविष्य, ये हफ्ता कैसा होगा? एयरपोर्ट पर एक लड़की से मुलाकात होगी। ओह शिट, वो फ्लाइट में आपके पास बैठेगी। ओह गॉड, वही आपके सपनों की रानी है। ओ यार, ये पेपर वाले भी कमाल करते हैं, काश ये सच हो जाए ना। 30 मिनट में लड़की को कैसे पटाया जाए, लेखक देवदास की नई नॉवल। इस बुक को तो खरीदना ही पड़ेगा, किसी लड़की पे ट्राई करके रहूंगा। ईव टीजिंग गुनाह है। छेड़छाड़ करने वाले को 6 महीने के लिए जेल भेजा गया। उसके लिए काला पानी जाने को तैयार हूँ, फिर जेल क्या चीज है? गिरफ्तार लड़के ने कहा। काश ये फ्लाइट क्रैश हो जाए और ये नीचे गिर जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। मौसम खराब होने की वजह से उड़ान में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। भारी वर्षा की वजह से हैदराबाद का रनवे बंद कर दिया गया है, इसलिए अब हम गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है, प्लीज बेयर विद अस। थैंक यू। God. क्या हुआ बेटा? सामान उतारना है? थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच। ये लो बेटा। थैंक यू। वेलकम। Due to heavy rains, all flights going to Hyderabad are cancelled. Flight towards Hyderabad are diverted to other airports across India. Inconvenience is regretted. क्या? फ्लाइट लैंड भी हो गई? मेरा इंतजार करना, मैं अभी पहुंचती हूँ। हाँ आओ ना, जल्दी आना, सीधे गोवा एयरपोर्ट आना। क्या गोवा? गोवा क्यों? वहाँ बारिश हो रही है। हाँ हो तो रही है, सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ उसी बारिश की वजह से रनवे बंद कर दिया गया है, इसीलिए फ्लाइट की गोवा में इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है। और हाँ आप एयरपोर्ट पे मत आना, मैं फ्लाइट में बैठने से पहले आपको फोन करूंगा। बेटा तू गोवा में ही है तो जाके मॉम, आई कॉल यू बैक। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? वो मेरा फोन और वॉलेट फ्लाइट में ही रह गया है, प्लीज मुझे अंदर जाके लेकर आने दीजिए। मैम आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपकी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकती। दोबारा आप फ्लाइट पे जाएंगी तब ले लेना। Important announcement. Flight going to Hyderabad has been postponed till further announcement. Due to heavy rains, Hyderabad airport has been shut down. Inconvenience is regretted. मैंने तुम्हें एयर होस्टेस से बात करते हुए सुन लिया। लो घर पर फोन करो। अगर तुमने उन्हें फोन करके नहीं बताया तो वो लोग बेचारे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर उन्हें टेंशन होगा। That's not good. ओके, आई एम सॉरी। मैंने जो भी किया बस तुम्हें चिढ़ाने के लिए किया, सिर्फ मस्ती में किया। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है प्लीज। वैसे इसमें तुम्हारा नंबर सेव कर देना, जैसे ही हम हैदराबाद पहुंचेंगे मैं तुम्हें तंग करना शुरू करूंगा। तुम्हें लगा होगा मैं शरीफ हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके हे आई वाज जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा था। जस्ट किडिंग, स्वेयर, प्रॉमिस कर लो, बात कर लो। देख किसका फोन, कोई अननोन नंबर। हेलो कौन? गेस हु। ए प्रिया कहाँ है तू? जानती है तेरा फोन कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। मेरा फोन फ्लाइट में रह गया भैया, वो एक लंबी कहानी है। मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट को गोवा लैंड करना पड़ा। ओह अच्छा, यहाँ कब तक आओगी? कुछ पता नहीं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जल्दी आ जा, तुझसे मिलने के लिए बहुत दिल कर रहा है मेरा। मुझे भी जल्दी मिलना है, फ्लाइट टेक ऑफ होगी उससे पहले आपको फोन करूंगी। ओके प्रिया ठीक है, लेकिन ये फोन नंबर किसका है? है कोई? हाँ बताना। मेरे पास वाले पैसेंजर का फोन है। कौन है वो? है एक इडियट। इडियट? बहुत ही बड़ा वाला इडियट। ठीक है, लेकिन दिखने में कैसा है? जवान है, लेकिन अपनी बातों से दूसरों का दिमाग चाटता है। हेलो अच्छा बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय, टेक केयर। थैंक्स। मैं दिमाग चाटता हूँ, मैं इडियट हूँ। ये ले सिगरेट। 3 साल बाद प्रिया घर आ रही है। आई एम सो हैप्पी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शिवा हाँ तेरे पापा का फोन। हेलो पापा। शिवा मैं बोल रही हूँ, लैंडलाइन फोन काम नहीं कर रहा, इसीलिए तेरे पापा का फोन इस्तेमाल किया। कैसा है तू? प्रिया पहुंच गई क्या? नहीं माँ, प्रिया की फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई है। आप घबराइए मत, वो आ जाएगी, मैं हूँ ना। ओके बेटा। गीता कैसी है? अब क्या बताऊँ माँ, मुझे औलाद नहीं हो रही इसका गम नहीं है, गम इस बात का है कि पिताजी साथ नहीं है। आपको देखे हुए 3 साल हो गए, पिताजी मुझसे अब भी नाराज है क्या माँ? अपने ही बेटी की शादी में आप लोग मेहमान की तरह है। इतने सालों के बाद प्रिया आ रही है, आप दोनों भी आ जाइए ना, सबको एक साथ देखने का मन कर रहा है। सिर्फ 3 दिन की बात है, प्लीज माँ आप लोग खुद आकर देख लीजिए कि मैं बदला हूँ कि नहीं। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा को कैसे भी मना के वहाँ ले आऊंगी। ओके बाय बेटा। अरे ये क्या, कॉफी तो बना दो। खुद ही बना लो, इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा मैं नहीं, हा? 3 सालों से अपने बेटे से नाराज हो, उसे देखा तक नहीं, लेकिन इसमें हमारी बहू का क्या कसूर है? उसे देखने एक बार चलो। तुम खुद चाहते थे ना कि शिवा में बदलाव आए, वो एक अच्छा इंसान बन जाए, तो हमें वहाँ चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वो बदला है या पहले जैसा ही है। प्लीज शिवा के पास चलो प्लीज। विजय सर, सैटरडे की हैदराबाद के लिए 2 टिकट बुक करा दो। अब तो खुश हो ना? कॉफी मिलेगी अब मुझे? हाँ बनाती है। हेलो मैडम, दैट्स माय कैब। क्या कहा? ये मेरी कैब है। No way. In every way that's my cab. सच कह रहा हूँ, it's my favorite cab. No. जरा कैब के नीचे देखो, मेरा नाम लिखा है राहुल, रूम नंबर 125। देखो सीसी, इस पे लेबल लगा हुआ है। देखो देखो राहुल 125। हाँ, it's my cab. क्या हुआ? मतलब वो वहाँ पर तुम थे? वहाँ पर क्या क्या क्या? तुम वही हो? हाँ मैं वही। कौन? अरे बोलो ना, come on. कुछ नहीं। थैंक यू। दरअसल एयरपोर्ट आते वक्त मेरी कैब खो गई थी। एक्चुअली तुम्हें शौक है ना गिरी हुई चीजें उठाने का, मैं वही कर रहा था। जरा अपना बैग दिखाना। मेरा बैग क्यों? यहाँ आते वक्त मेरी कोक की बोतल खो गई थी, शायद वो भी तुमने उठा ली हो। दिखाओ। आई एम प्रिया। हेलो प्रिया, दिस इज राहुल। तुम्हारा नाम सुना सुना लग रहा है। सुना होगा है ना? हाँ, मेरे नाम का एंटी राहुल सॉफ्टवेयर आया ना मार्केट में, वहीं पे सुना होगा। प्रिया, योर कॉफी। थैंक्स। तो तुम अपने भाई से मिलने हैदराबाद जा रही हो। उनसे बहुत प्यार करती हो क्या? बहुत ज्यादा। यात्री कृपया ध्यान दें, हैदराबाद का रनवे अभी भी बंद है, इसलिए उड़ान भरने में अभी देरी है। हम अपने सभी यात्रियों के लिए खान पान की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। यू नो व्हाट? गोवा 3 बार। अच्छा, 3 बार आई हो? प्लान बनाया था, 3नों बार कैंसिल हो गया और अब 4थी बार मैं गोवा एयरपोर्ट पर बैठी हूँ, लेकिन बाहर नहीं जा सकती। हे प्रिया, चीयर अप। इस बार तुम गोवा देखोगी, वो भी इस डैशिंग लड़के की वजह से जिसका नाम है राहुल। राहुल राहुल टन टन। ऐसा क्या करोगे? फिलहाल एक कॉल करूंगा। मेरा तो मन कर रहा है मैं ही तुमसे शादी कर लूं। ओए हीरो, क्या कर रहा है? साले पूछता है क्या कर रहा है, मुझे पता था तू 1 नंबर का कमीना इंसान है। अबे 2 घंटे बाद मेरी शादी है, तुझे फोन किया, SMS भेजा, ईमेल से इनविटेशन तक भेज दिया, लेकिन फिर भी तू भूल गया। ओह शिट, बेशर्म कहीं का। तुझे तो अपना दोस्त बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है। हे, आज तारीख क्या है? 14th। ओ, महीना सितंबर। साल भी बताऊं? नहीं नहीं नहीं, शिट। क्या हुआ? तू फोन रख और इसके बाद मेरा नंबर डिलीट कर यार। नाराज तो मुझे तुझसे होना चाहिए। ए, लोगों को बस शादी के लिए इनवाइट करेगा या मेहमानों को लेने किसी को एयरपोर्ट भेजेगा। क्या कहा? मतलब तू गोवा आ गया है? और नहीं तो क्या, तुझे लगता है मेरी हैदराबाद की फ्लाइट डाइवर्ट हुई इसलिए आया? 6 मिनट रुक, 10 मिनट में कार भेजता हूँ। जल्दी भेज, फोन रख। ओह गॉड, एग्जाम की टेंशन में इसकी शादी भूल गया। जय आंटी होती तो मार डालती। थैंक गॉड। ओके प्रिया, चलो शादी में जाना है। शादी में? देखो, मुझे तो शादी में जाना ही है, तुम यहाँ बैठी बैठी बोर हो जाओगी। और प्रिया, गोवा की शादियों में जलसा होता है और फ्री दारू। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन तुम जितनी चाहो पी लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना? 4थी बार गोवा देखने का तुम्हारा प्लान हिट होने वाला है मेरी वजह से। एंड आई प्रॉमिस यू अ वंडरफुल टाइम इन गोवा एंड बेस्ट बिहेवियर, आई प्रॉमिस यू। अब चलो। Trust me, come on. चलो यार। Okay. क्या हो गया? Wish you a very happy married life. Thanks यार। Bye, चलता। ये क्या बात हुई? दुल्हन का चेहरा भी नहीं देखा तूने और तू जाने की बात कर रहा है। बात मत कर मुझसे, तुझे लगा मैं तेरी शादी भूल गया? देखा प्रिया, हम कितनी प्रॉब्लम्स उठा के गोवा में सिर्फ इसकी शादी के लिए आए हैं। मैं कभी इसकी शादी भूल सकता हूँ? How प्रिया, how can you say that to me? चलना यार राहुल, अभी माफ कर देना। नहीं जानता, तेरी इस बात से मेरे दिल के अंदर एक बॉम्ब फूटा है। बूम। अबे गुस्सा थूक देना यार प्लीज, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी राहुल, प्लीज। ठीक है, आज तेरी शादी है इसलिए तुझे माफ करता हूँ, ठीक है? चल चल, हाँ। अंदर चल, आजा, दुल्हन देख ले। नहीं है, जा जा जा, तू वापस चला जा। जा जया आंटी, नहीं, इट्स बीन सो लॉन्ग। तुझे क्या लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? जा जा, वापस जा। खड़ा क्यों है? आंटी आप मुझे जाने को कह रही हैं, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आपके लिए आया हूँ आंटी। मस्का पॉलिश करना कोई तुझसे सीखे तो वो नहीं सुधरेगा। सुधर के क्या करूँगा? ये लड़की कौन है? ये मेरी वाइफ है प्रिया। क्या तेरी वाइफ? तूने शादी कर ली बेटा? तो लेके चल। बहुत खूबसूरत है ये। अचानक शादी कैसे? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कितनी सुंदर है, कहीं इसे मेरी नजर ना लग जाए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आपको क्या, इसे भी यकीन नहीं हो रहा है? देखिए कितने शौक में है। कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मॉम को भी नहीं बताया आंटी। क्या? आंटी आंटी प्लीज आप ही उन्हें ये खबर दीजिए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रिया डोंट वरी, आंटी फुल सपोर्ट करेगी, ओके ना? ओके आंटी। अब मैं समझी कि तू इसे यहाँ क्यों लेके आया है। मैं नहीं, नहीं, तुझे अच्छे से जानती हूँ। अरे धूप में क्यों खड़ी हो, अंदर चलो। आओ आ जाओ। अरे सुनो, देखो ये राहुल की वाइफ है। आंटी एक मिनट, मुझे राहुल से कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो आओ, बहुत सारे काम करने हैं। अरे सुन तो, मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट जाना है। क्यों, क्या बात है? तुमने उस आंटी से ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? ओह इतना ही ना, वो बाद में पता चलेगा। क्यों? मुझे कुछ भी पता नहीं करना है। तुमने एयरपोर्ट पर क्या कहा था? कहा था कि तुम अच्छी तरह बिहेव करोगे। एयरपोर्ट पे और भी कुछ कहा था। गोवा में यूल हैव अ वंडरफुल टाइम कहा था ना। उसका मेरी प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? बस 10 मिनट के लिए रुक जाओ, पता चल जाएगा। अगर तब भी नहीं पता चला तो आंटी के पास जाकर उन्हें सब बता दो। ओके जस्ट 1 आवर प्लीज। प्रिया बस 1 घंटा दो मुझे, प्लीज यार प्लीज। सिर्फ 10 मिनट्स ओके? ओके। 9:59 58 57 56 शादी बहुत जबरदस्त हो रही है जी। अच्छे से हाँ अंकल, क्या हुआ? आपको वहाँ बुला रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है चलिए। आंटी व्हाट अ लवली साड़ी। क्या है ये? कॉटन है, बनारसी सिल्क। अच्छी है ना? अच्छी नहीं, झकास। डायमंड नेकलेस, सुपर्ब, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये जरूर आप ही ने डिजाइन किया होगा। पॉइंट पे आ। क्या पॉइंट आंटी? मैंने भी प्रिया के लिए कई गहने और साड़ियाँ खरीदी थी शादी के लिए, मगर हमारा लगेज मिसप्लेस हो गया, इसलिए अब क्या करूँ? तो तू चाहता है तेरी बीवी इस शादी में सबसे अलग दिखे, यही ना? मेरी अमेजिंग आंटी, तू कभी नहीं सुधरेगा। प्रिया चलो तैयार हो जाओ। नहीं नहीं मैं ऐसे कुछ नहीं सुनूंगी, तैयार तो होना पड़ेगा। नहीं, कोई बात शर्माओ मत, ये तुम्हारा 5 मिनट बाकी है सिर्फ। आ जाओ। आंटी आंटी मैं मुझे नहीं आपसे कुछ कहना है। चलो चलो, मैं अपनी बहू के लिए बहुत सारी साड़ियाँ और गहने लेकर आई हूँ। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। सुनूंगी तैयार होने के बाद। ये लो वो सब ठीक है। ये देख ये कैसी है, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, बहुत अच्छी लगेगी तू। चल जल्दी से तैयार हो जाए। इडियट राहुल की स्टोरी मैं बाद में सुनूंगी, पर उससे पहले तुमको मेरी एक बात सुननी होगी। तुम बहुत लकी हो प्रिया, राहुल बहुत अच्छा लड़का है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं उसकी शादी राहुल से ही करवाती। बात बात में मजाक करता है, पर जो उसका दिल है ना, प्यार से भरा हुआ है। सच कहूँ तो वो खरा सोना है। राहुल को मैं अपने सगे बेटे जैसा मानती हूँ। जब मैं अपनी बहू के लिए गहने खरीदने गई थी ना, तो मैंने राहुल की होने वाली बीवी के लिए भी कुछ खरीदा था। चलो पहन लो इसको। नहीं आंटी मैं ये कैसे पहन सकती? कहा ना पहनो, देखो देखो तुम्हें पसंद आएंगे। कैसे लगे? ओह माय गॉड। अच्छे है ना? और ये साड़ी देखो कैसी है, ये अच्छी लगी तुम्हें? अच्छा तुम कुछ कहने वाली थी ना? नहीं कुछ नहीं आंटी, बस यही कहना था कि राहुल हमेशा आपकी बात करते रहता है। जय आंटी सो ब्यूटीफुल, जय आंटी इज वंडरफुल। गोवा जाएंगे तो जय आंटी के पास जाके हम ये करेंगे वो करेंगे। He loves me so much. Yeah. एक्चुअली मुझे दिल्ली में बहुत ही ज़रूरी काम था, लेकिन हम गोवा में स्पेशली आप ही से मिलने के लिए आ गए। हाउ स्वीट। ये साड़ी तुम पे बहुत जचेगी। तुम्हारे हाथों में बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। क्या सुंदर लड़की है रे। इतनी खूबसूरत लड़की अगर मुझे मिल जाए तो इसी मंडप में शादी कर लूं। वाह क्या परी है यार। कमर पे कमर। कैसी लग रही हूँ? लगता है तुम्हारी यहाँ पर सबसे अच्छी जमी है। हाँ तो यहाँ पर सब लोग मेरा इतना ख्याल जो रख रहे हैं। अगर मैंने बताया होता तुम मेरी फ्रेंड हो तो तुम्हें बैठने के लिए प्लास्टिक चेयर और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देते। तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले इसीलिए झूठ बोला। दैट इज राहुल। हेलो, तुम्हें क्या लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है? yeah. तुम्हारे झूठ की वजह से मेरी खातिरदारी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर मैंने जो झूठ बोला है उसकी वजह से जादू चला है। अच्छा, तुमने क्या बोला? तुमने सबसे कहा ना कि हम शादीशुदा हैं। तो मैंने सबसे ये कह दिया कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ। तुम सिर्फ सीधी दिखती हो लेकिन चालू हो। ये देखो। hey, nice bangles। जय आंटी ने मुझे अपने हाथों से पहनाई है। अच्छा। तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं? जय आंटी ने ये बैंगल्स तुम्हारी होने वाली पत्नी के लिए ही खरीदी है। ओह, समझ गया। तो उतारो मेरी बैंगल्स, मुझे दो। तुम्हारी बैंगल्स? हेलो, आंटी ने तुम्हें ये सोच के दिए हैं कि तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन मैं ये अपनी वाइफ को अपने हाथों से दूंगा। लाओ दे दो। फुटो यहाँ से। देती हो या नहीं? चलो उतारो, लाओ लाओ दे दो। ए, आंटी ने मुझे इसलिए दी हैं क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करती हैं। हाँ। अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर जय आंटी से कहो, तुम्हें दूसरी खरीद कर दे देंगी। समझ गया। राहुल, तुमने आवाज सुनी? वेव्स। बीच पर चलो ना प्लीज। क्या बीच? रात को इस वक्त? इट्स सो लेट। देखो इट्स 12:30। चलो ना, मुझे बीच पर जाना है। तुम चल रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? आ रहे हो? बात तो सुनो, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा। इट्स राइट हियर राहुल, यही तो है पास में। चलो ना प्लीज। क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं अंकल, बीच पे जा रहे हैं। चलो चलो चलो। प्रिया, तुम तो इसके साथ जिंदगी भर रहोगी, फिर कभी चले जाना। अभी तो हमारे साथ रहने दो। भतीजे, गोवा स्पेशल फैनी आजा। अरे हाँ मैं आता हूँ, लेकिन प्रिया प्रिया तुम चलो ना। प्रिया बीच पे मत जाना। अरे उसे प्रिया, वो कहाँ जा रही है? मत जाना। किसके साथ रहना है? लफंगे कहीं के, पता नहीं कहां से आ गए। सॉरी बोलो और निकलो, जाओ यहां से। इधर आओ जल्दी। उठाओ इसे। चिल्ला मत। कस के पकड़ के रखो इसे, छोड़ना मत। पकड़ के भतीजे इधर आ। उसे हमारे साथ पीने में शर्म आएगी यार। तो अपना मुंह उधर घुमा लेना। हाँ अंकल ए ले पूरा गटक ले। नहीं रहने दीजिए अंकल। डर मत पी ले। नहीं थोड़ी गड़बड़ है। कौन सी? एक से काम नहीं बनेगा। अरे जितना पीना पी ले। पक्का? पक्का। ओके। हाँ। एक मिनट, तेरी शादी कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई? ड्रिंक तो पीने दीजिए अंकल, इसके बाद बताता हूँ। ठीक है ठीक है पी ले पी ले। अब पूछिए भतीजे। हाँ। ये बता तेरी शादी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? अंकल किसी को मत बताना। नहीं बताऊंगा। टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी शादी हाँ। जब हुई हाँ? तब हुई और हाँ? वहां पर हुई, वहां पर हाँ? ओके अब चलता हूँ हाँ? किसी को मत बताना, टॉप सीक्रेट। सॉरी नींद नहीं आ रही। नहीं आ रही। ओके ऐसे क्यों देख रहे हो? एक बात कहूं? हाँ कहो। मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर लगती हो? नहीं बताया। जानती हो अब क्यों बता रहा हूं? क्यों? क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो ही नहीं। ए, राहुल! ओ, राहुल! 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 राहुल 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 ये लड़का भी ना। राहुल उठो, राहुल उठो, राहुल राहुल उठो। जानते हो टाइम क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कभी बताया कि तुम कितनी सुंदर हो? मुझे पता है तुम इसके बाद क्या कहने वाले हो। चलो जल्दी उठो, नीचे सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। कुछ देर और सोने दो ना। राहुल हमारी फ्लाइट 5 बजे की है। तब तो हमें निकलना होगा। मैं तैयार हो जाता हूँ फिर चलते हैं। इतनी जल्दी जाएंगे क्या? हाँ और क्या। राहुल एयरपोर्ट पास ही में है, कुछ देर और यहाँ रुक जाते हैं ना। प्रिया फ्लाइट पकड़नी है तो अभी निकलना ही होगा। राहुल अंकल और आंटी के साथ थोड़ी देर और रह लेते ना, वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज प्रिया बहस मत करो, हमें जाना है और अभी निकलना है। गो गेट रेडी क्विक। बैंगल्स के लिए थैंक यू, पर मैंने नहीं ले जा सकती। प्रिया बाय आंटी। आई मिस यू टू। अगली बार 1 महीने के लिए आना। ये आना है तुम आ जाना। हम दोनों मिलकर पूरा गोवा घूमेंगे। ओके बाय बाय। हेलो हेलो हेलो, मुझे कुछ बताए बिना ही खिसक रहे हो। हम दोनों की शादी नहीं हुई है। जानती हूँ। आप जानती हैं? मेरे बिना तुम शादी कर सकते हो? मैं पहले ही समझ गई थी तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा झूठ मुझे पसंद आया। ये लड़की बहुत अच्छी है तो इसी से शादी करना। तेरी माँ और मैं मिलकर भी इतनी अच्छी लड़की नहीं ढूंढ पाते। डोंट मिस हर। जरा बॉक्स देना। ये कंगन देकर अपने प्यार का इजहार करना। ओके आंटी। नहीं वो तो। All the best. Love you auntie. I love you. Bye. 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 क्या हुआ, मूड ऑफ क्यों है? ओए, सुन रही हो? ओह, जल्दी निकले इसलिए। हाँ राहुल। प्रिया, जब तक मैं ना कहूँ तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगी, चुप रहोगी। लेकिन क्यों? सरप्राइज है। अब कहाँ ले जा रहे हो? तुमने मुझसे क्या कहा था? 3 बार गोवा आने का प्लान कैंसिल हो चुका है और शायद इस बार भी वैसा ही होता। हमारी फ्लाइट को अभी 6 घंटे हैं। इस बार तुम गोवा मिस नहीं करोगी। Oh, you're my darling. Ma'am, this is your purse and mobile. Thank you so much. Got your phone? हाँ. मुझे टेक ऑफ से एलर्जी है। May I have your kind attention, please? Passengers traveling on 921 are requested to kindly move towards the security gate. Flight number 111 has been further delayed as we are waiting for passengers who are caught up at immigration. So, goodbye. And thank you so much, Priya. अगर तुम साथ ना होती तो शादी में बोर हो जाता। गोवा दिखाने के लिए थैंक्स। You're welcome. प्रिया, तुम कुछ भूल रही हो। तुम्हारे कपड़े, इन्हें भूल गई। बेटा, हा? ये सामान कहाँ मिलेगा? ये बेल्ट नंबर 2 अंकल, वहाँ पर। ओके, थैंक यू बेटा। करने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो विमान की ओर प्रस्थान करें। प्रिया, 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 हे राहुल, इधर। जया कैसी है? चंदू की शादी कैसी रही? सब अच्छा था मॉम। बहू कैसी है? वो भी अच्छी है। तेरे एग्जाम तो अच्छे हुए ना? हाँ, अच्छे थे मॉम। राहुल, हे दीदी, तुम कब आई? व्हाट अ सरप्राइज। रात को। कैसी हो तुम, ठीक हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। राहुल, इधर देखो, मैं तुमसे अमेरिका से मिलने के लिए आई हूँ और तुम यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दी दी, जरा 1 मिनट। हाँ। अरे राहुल, Hey! ये बात है। प्रिया भी तुझे चाहती है क्या? हाँ दीदी। लेकिन शिवा नहीं मानेगा। मुझे क्या पता था प्रिया शिवा की बहन निकलेगी, और वो उसकी बहन हुई तो क्या हुआ? मैं अपनी फीलिंग नहीं बदलूंगा। लिसन, जैसे तू मेरा भाई है, शिवा प्रिया का भाई है। मैं तुझे जितना चाहती हूँ, प्रिया भी शिवा को उतना ही चाहती होगी, शायद मुझसे ज्यादा ही चाहती होगी। तुझे अगर कोई मुझसे जुदा करे तो मुझे बहुत दुख होगा, तो वैसे ही प्रिया भी दुखी होगी अगर कोई उसे उसके भाई से अलग करे। जरा इस बात को समझो। ए शिवा। हाय राज, मुझे रात से कुछ बात करनी है, तब तक तुम शॉपिंग करो। हाय। और हाँ, वो याद से ले लेना। हाय। समझ गई ना? हाय राज। इतना लेट क्यों हो गया? हाँ यार, वाइफ के साथ शॉपिंग पे निकला हूँ तो लेट तो होगा ही ना। अच्छा बाबा, क्या लेगा? कॉफी। एक्सक्यूज मी, दो कॉफी। और कैसा तू सुना, अंकल अभी नाराज है? हाँ यार, कैसे मनाऊं उन्हें। देख यहाँ कौन आया है, ठीक तेरे पीछे। देख, जो कुछ भी हुआ बहुत पहले हुआ था, तो इसे भूल जा। तुम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी और कुछ नहीं। धक तेरे की, वो यहीं आ रहा है। हो सकता है कॉफी पीने आया हो। नहीं यार, तेरी तरफ ही आ रहा है। हाय शिवा। अच्छा ठीक है, वो लाल बाल। मैंने सुना तुम्हारी शादी हो गई, कांग्रेट्स। थैंक्स। और आज काम धंधा कैसा है? हाय। शॉपिंग करने के लिए आया? नहीं नहीं, तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हारी प्रिया नाम की एक बहन है ना, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। और यहाँ पर कोई थिएटर भी है? हे कूल कूल, भड़को मत यार। वो भी किसी को चाहती है, एंड शी इज क्रेजी अबाउट हिम। या लेकिन मैं तुम्हारी तरह उसे टॉर्चर नहीं करूंगा, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। दुआ करता हूँ वो भी मेरे प्यार को समझे। बस तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आया था। उम्मीद करता हूँ तुम समझ गए। ओके, प्रिया से कहना हाय बोला है। बाय, टेक केयर। भैया इतनी जल्दी आ गए? ये क्या, मेरे लिए कुछ लाए नहीं? प्रिया तो किसी से प्यार करती है? हाँ मैं वो। मुझे बताओ वो कौन है? आज आपको अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ नहीं है, तू जब से यहाँ आई है खोई खोई सी लग रही है। मुझे बता क्या बात है। मैं तेरा भाई हूँ, तूने आज तक जो भी मांगा मैंने मना नहीं किया, इसलिए बता कि बात क्या है। हाँ भैया। कौन है वो? मैंने आपको बताया था ना, गोवा में मुझे कोई मिला था। ओ, वो इडियट है ना? हाँ वही। आप उससे मिले क्या? मिलने की कोई जरूरत नहीं, उसके फोन पर बात करने से ही मैं समझ गया कि वो खानदानी और शरीफ लड़का है, और वैसे भी तू उससे प्यार करती है। मैं बहुत खुश हूँ प्रिया। मैं अभी माँ और पिताजी को फोन करके। नहीं नहीं, क्या मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसे मैं पसंद हूँ या नहीं। क्या वो तुझे पसंद नहीं करेगा? देख, अगर वो तुझे पसंद नहीं भी करता है तो भी मैं उसे मना लूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है ना, तू फिक्र मत कर। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके पैर छूकर उसे तुझसे शादी करने के लिए मनवा लूंगा। अभी कॉल करता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? हाँ जल्दी नहीं प्रिया, थोड़ी सी घबराहट है। अगर उस लफंगे से तेरी शादी होगी तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, तू समझ गई ना? कौन लफंगा भैया? अरे अरे मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। तू टेंशन मत ले, बस खुश रह, मैं सब संभालूंगा। ओके, तू जरा भी चिंता मत कर। उसका अब तक फोन नहीं आया। राहुल सिट डाउन, रिलैक्स। नहीं दी, फोन अब तक आ जाना चाहिए था। दी देखो किसका फोन है। लगता है वही है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। ओके। ए शिवा रामजादे, कहाँ था अब तक साले? कमीना कहीं का। सुना है तेरी शादी हो गई है? कुत्ते, शादी में बुलाया भी नहीं है। उल्लू के पट्टे, पैसा कमाने में इतना बिजी हो गया कि दोस्त को भी भूल गया। चल छोड़ येड़े, ये बता तेरी बहन कैसी है? अबे सूअर के बच्चे, बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं प्रिया का बड़ा भाई शिवा बोल रहा हूँ। प्रिया का बड़ा भाई शिवा यानी गोवा प्रिया। अच्छा तो तुम वो नहीं हो जिसे मैं गालियाँ दे रहा हूँ? हाँ, मैं वो नहीं हूँ। ओह सो सॉरी शिवा भैया, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। शिवा मेरा एक क्लासमेट है, टीचर है साला। ओह नहीं, मैं वो शिवा नहीं हूँ। शिवा भैया ये बताइए प्रिया कैसी है? प्रिया बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे बारे में बताया है इसीलिए किया फोन। तुमसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? फोन पर नहीं भैया, मिलकर बात करते हैं ना, फेस टू फेस। मैं भी यही सोच रहा था। कल हम 11:30 बजे मेरे ऑफिस में मिले। हाँ मैं आ जाऊंगा। ओके बाय। ये क्या राहुल, क्या तुम सचमुच कल शिवा से मिलने जाओगे? सुबह सुबह ये टेंशन क्यों सर? प्रिया का मंगेतर आ रहा है ना, बस इसीलिए आज मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। सर आज टैक्स भरने के आखिरी डेट है। जल्दी आओ, इन लोगों को भी अभी आना था। टैक्स टाइम पे भरा कर। सॉरी सर, आगे ऐसा नहीं होगा। जीजा जी आ गए। बिहेव प्रॉपर्ली। ओके सर। कैसा लग रहा हूँ? चिकने लग रहे हो सर। आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आप कौन? राहुल। सचमुच? यकीन नहीं है? ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज आइए आइए आइए, जाइए आप। सर आइए यहाँ बैठिए ना। आइए बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए। टेक योर सीट। आई एम शिवा। ओरिजिनल हो ना? मतलब वो तुम्हें शक हुआ कि मैं डुप्लीकेट हूँ तो तुमसे भी पूछ लिया। व्हाट डू यू मीन? मेरे ऑफिस में मेरा डुप्लीकेट कैसे आएगा? फिर मैं भी तो राहुल बन के आया हूँ। करेक्ट 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 करेक्ट। बाय द वे ये मेरा पीए है। नमस्ते सर। ऑफिस काफी इंप्रेसिव है। ये छोटा थोड़ा मोटा नहीं लग रहा? मुझे तो बड़ा लग रहा है सर। यस आप दिखने में तो गबरू जवान है। आपकी उम्र क्या होगी? 2 दिन पहले मैं 30 का हुआ है। चौक क्यों गए? ये देखो ये ओरिजिनल हेयर है, वेग नहीं है। बहुत मजाक करते हैं आप। ये आपको लंबा कर देंगे। वो कैसे? अरे जब से आए हैं तब से आपकी टांग ही तो खींच रहे हैं। जीजा जी आप पीना पसंद करेंगे ना? हाँ तो चलो। मेरा मतलब है कि चाय या कॉफी क्या पीना पसंद करेंगे? 1 क्वार्टर ब्रांडी चलेगी सर। फिर से टांग खिंचाई। बड़े मजाकिया हैं। एक्चुअली यहाँ ज्यादा बैठा रहा तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। वो कैसे? वो क्या है ना, मेरे बहुत सारा बिजनेस है तो मुझे काफी नुकसान होगा। कौन सा बिजनेस? कई सारे बिजनेस है। जरा एक का नाम तो बताइए। मेरी कई कंपनीज हैं। एक कंपनी का नाम बता दो। कल बताओ। अभी रिलायंस। रिलायंस? अरे वो तो अंबानी की है ना, इसने कब खरीद ली? रिलायंस मतलब मैं उन्हें मटेरियल सप्लाई करता हूँ। कौन सा मटेरियल? अभी कुछ भी कह दे, राहुल बाद में संभाल लेगा। मटेरियल यानी मैं सब्जियां उगाता हूँ, वो उसे बेचते हैं। मैं पेट्रोल निकालता हूँ, वो लोग बेचते हैं। मैं उन्हें सस्ते में कपड़े सप्लाई करता हूँ और वो इंडिया भर में बेचते हैं। बात समझ में आई या कुछ दूसरा बताओ? फ्रैंकली एक बात बोलूं? हाँ बोलो। पहली नजर में मुझे आप निकम्मे लगे थे। ये तो हमसे भी ज्यादा रईस है। अपनी प्रिया बहुत लकी है सर। एक मिनट, एक बात बताओ, ये प्रिया कौन है जिसके लिए यहाँ आए हो? उसका नाम नहीं जानते? प्रिया की बहन। मेरी बहन? हाँ। प्रिया तुम्हारी बहन है? ओह शिट, आज मुझे पहली बार मेरे पांडू का असली नाम पता चला। मुझे पसंद नहीं उसका नाम। मुझे जीजा जी पसंद है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नहीं बज रहा है साले साहब। ओ आपका फोन बज रहा है और वहाँ रखोगे तो किडनी पे असर पड़ेगा। यहाँ रखा करो। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हेलो क्या कहा? शंकर ने जाली साइन करके पैसे निकाले। अपने आदमियों को लेकर जाओ और साले की हड्डियाँ तोड़ दो। उसे इतना मारो कि कम से कम 6 महीना हॉस्पिटल से निकलने ना पाए। कौन था? सॉरी माफ करना, दरअसल बात यह है कि चीटिंग मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं। सही कहा। काश मेरा भांडा ना सुने। कहीं ने हमारे फोन वाले छूट पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, आप जीजा जी के हाथ पे 11 रुपया रख के बात पक्की कर दो। राहुल तू आ गया? क्या हुआ राहुल? मैं आपको बुला रहा हूँ और आप पीछे देख रहे हैं। अरे टांग खिंचाई भूल गए क्या? बहुत मजा आ गया है आप। अच्छा एक बात बताइए, जब आप प्रिया को मिले तो आपको कैसा लगा? अब यहाँ कैसे बताऊं? तो कहाँ बताओगे? अरे प्रिया बोलोगे तो कैसे बताएंगे? पांडू पांडू बोलिए। ओह प्रिया का मतलब है आपकी पांडू। मेरे पांडू? मेरी बहन। हाँ हाँ। उससे पहली बार मिलके आपने क्या कहा? प्रिया ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा। तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। प्रिया तुम्हारी बहन है तो पहले उसे बताना चाहिए। जीजाजी का मतलब ये है कि ए यार सुनो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम कार में खुसफुस करते हो ना तो मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगता है। जो भी कहना है तुम खुल के कहो ना, खामखा मेरा बीपी क्यों बढ़ाते हो? फिर से मजा आ गया। राहुल आपसे पहली बार मिला लेकिन लगता है जन्मों से जानता हूँ। सच पता चला तो मेरा जन्म यही खत्म। अब मैं चलता। रुकिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको भागने की जल्दी। बैठकर आराम से बात कीजिए। बॉस हो सकता है इनका प्रिया यानी पांडू के साथ कोई प्रोग्राम हो। बोलिए प्रोग्राम प्रोग्राम। अच्छा राहुल एक और बात है, जल्दी बोलो। शादी की बाकी बातें पिताजी तय करेंगे। चलेगा। और सारी तैयारियां मैं कर लूंगा। ये बताइए आप दहेज में क्या लेंगे? अब मेरी जिंदगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? पांडू मेरी जिंदगी है, उस पांडू को मुझे दहेज में दे दो बस। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बात सुनकर एक भाई के कलेजे को ठंडक मिल गई। सच का पता चला तो उसी कलेजे का फुटबॉल बनाएगा तू। अब मैं चलता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आए राहुल, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर से मजा। तुम्हारा बेदोई बनके मेरे भाग खुल गए। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार। कौन हो तुम? क्या काम है यहाँ पर? घर पर कोई नहीं है। मैंने तुमसे कहा था मुझे गोवा ले जाने के लिए। मैंने तुमसे कहा था जया आंटी से कहने के लिए कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने कहा था शादी में मुझे महंगे कपड़े और गहने पहनाने को। रात को उन गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए मैंने कहा था। गोवा घुमाने के लिए मैंने तुमसे कहा था। राहुल तुमने जो किया मुझसे बिना पूछे किया, फिर मुझे वो कहे बिना क्यों चले गए जो सुनने के लिए मैं तरस रही थी। Love you. Hi. Hello. Hi Priya. Hi भैया। तुम्हारा एग्जाम कैसा था? बहुत अच्छा था। सॉरी प्रिया, आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ माँ पिताजी को लाने के लिए। आप कितने खुश हैं, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है। मैंने राहुल से कहा था तुम्हें पिकअप करने के लिए, वो आ गया ना? आ गया है। ओह, उसे फोन देना। भैया का फोन है, तुमसे बात करनी है। हेलो। हाय राहुल। थैंक्स मैम। अरे अपने रिश्ते में थैंक्स कैसा? ओके बाय। अगर इस तरह से रेट बढ़ता रहा तो गाड़ी बेच के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ साइकिल खरीद लूं। क्या हुआ सर? फोन वहाँ नहीं रखना चाहिए, किडनी खराब हो जाएगी। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। तुम्हारे एग्जाम्स चल रहे थे इसीलिए मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। कैसी टेंशन है? तुम्हारे भैया। तो अब हम क्या करेंगे राहुल? ब्रेकअप करना होगा। What? हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तुम्हारे भैया राजी नहीं होंगे, इसलिए मैंने अपने दोस्त को उनसे मिलने के लिए भेजा। अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। तुम्हारे भैया को पसंद आया है, तुम्हें भी पसंद आ जाएगा। फिर तुम्हारे भैया और मैं तीनों खुशी खुशी रहेंगे। मुझे भूल जाओ प्रिया। हे प्रिया, प्रिया प्रिया प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? आई वॉज जस्ट किडिंग प्रिया। तुम्हें छोड़ के मैं जी सकता हूँ क्या? पता है इस झप्पी के लिए इतना ड्रामा किया। ए, झप्पी दो, दे दो, वरना मैं जाऊंगा। चला जाऊं। चलो तेज चलाओ। ए साइको राहुल, पता है क्या? ये मेरी लाइफ की सबसे पहली चीज है। पहली चीज है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू क्यों? थैंक यू फॉर गिविंग मी द फर्स्ट चीज ऑफ माय लाइफ। प्रिया, ये हमारी लाइफ की पहली और आखिरी चीज है, समझी ना? तो इस चीज को एकदम धांसू होना चाहिए। एक काम करें क्या? इस कार को ना हवा में उठा लो। हाँ? एक और काम करें। आगे ना वहाँ पे एक तालाब है, चलो कार को उसके अंदर डालते हैं। ओ नहीं राहुल, मुझे स्विमिंग नहीं आती। ऊपर उतना ज्यादा बेटर होगा। प्रिया, स्टॉप तो कार। नहीं स्टॉप करेंगे। रुक जाओ। आ जाओ। अगर पकड़े गए तो समझो मारे गए। प्रिया, राहुल गैप कम हो रही है। प्रिया स्टॉप। पागल हो गया क्या? मेरे से खेल रहे हो बेटा? अभी बताता हूँ। चुप, एकदम चुप। यार इसको फील करो, दिस इज अ चेज राहुल, एकदम एक्शन पैक्ड। अगर तेरे भाई ने पकड़ लिया तो ये एक्शन सीन बन जाएगा। तू जानता नहीं कि तूने पंगा किससे लिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल बनाता हूं। राहुल, भैया की जीप स्लो हो रही है। वो तो रुक गए। शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। हम जीत गए। यस। अरे हमारी कार भी स्लो हो रही है। अपना भी पेट्रोल खत्म। स्लो हो रही है, रुक जाएगी। हाँ, रुक जाएगी। क्या हुआ? मुझे लगता है हमारा भी पेट्रोल खत्म हो गया है। लगता नहीं है, पक्का खत्म हो गया। राहुल भैया गाड़ी से नीचे उतरे। अब तक तो लग रहा था कि वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन अब डर लग रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए कार से मत उतरना। पता नहीं था इतनी जल्दी पकड़ा जाऊंगा। इतना अच्छा प्लान बनाया था, सारे प्लान पर पानी फिर गया। अब एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं है, अब तक तो मम्मी और पापा घर पहुंच भी गए होंगे। हाँ तो मेरे भैया है ना, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान से डरते हैं, मेरे पापा से। पापा उन्हें गुस्से से देख भी लें तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। पापा भैया से बात तक नहीं कर रहे हैं पिछले 3 सालों से। आज इतने सालों बाद वो यहाँ आए हैं, तो अगर हम मेरे पापा को सब कुछ साफ साफ बता दें तो सब सेट हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर हमने उन्हें बता दिया तो वो शिवा को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमारे एक होने के लिए उन्हें अलग करना ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तुम कुछ मत करो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। अब से तुम्हारे पापा और तुम्हारे भैया जो तुमसे कहेंगे वही करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके ओके। तुम नीचे मत उतरना, ओके? भैया! चुप रहे, चुप। सर, हैदराबाद से आपके माता पिता आए हुए हैं। जब हम सिंगापुर गए थे तब की है। ओह, शिवा ले गया था तुम्हें? हाँ। देखा आपने शिवा कितना बदल गया है, यकीन ही नहीं हो रहा है। राहुल की बहन की वजह से पापा ने 3 साल तक मेरी शक्ल नहीं देखी। 3 साल। आज की बात पापा को पता चली तो वो मेरा चेहरा ही नहीं देखेंगे। तुम दोनों की वजह से उन्हें जरा भी तकलीफ पहुंची तो मैं राहुल को चैन से जीने नहीं दूंगा, मौत के घाट उतार दूंगा। मैं पापा से कुछ नहीं कहूंगी, जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। राहुल को नुकसान पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी ने मुझसे कहा है कि मैं आपकी हर बात मानूं, बस इसीलिए। कौन आया है? लगता है वो आ गए। अच्छा, come on my boy. कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया। अब तो तू खुश है ना? आज से ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिली। कौन है ये? तू जानता है इसे? पापा ये कौन है? मैं नहीं जानता पापा। ये जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलो। हम लोग जानते नहीं कि ये कौन है, इसलिए रहने देते हैं। एक आदमी मर रहा है, तू कह रहा है रहने दो। इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे तो ये बच जाएगा। एम्बुलेंस बुलाओ। पापा एम्बुलेंस को आने में बहुत वक्त लग जाएगा, हॉस्पिटल नजदीक में ही है। अरे अब देख क्या रहा है, जल्दी से उठा इसे। ठीक है उठा रहा हूँ। संभाल कर, जल्दी उठाओ, चलो। कम ऑन क्विक। तुम कौन हो? नाम क्या है? किसने मारा तुम्हें? हेलो अंकल। हाँ आई एम राहुल। हाँ, एक आदमी ने मुझे बुरी तरह मारा और रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं पास ही के घर में घुस गया। कसम से मुझे नहीं पता था कि ये घर आपका है। अंकल ये आदमी मेरा बेटा शिवा। अरे यही तो तुम्हें उठाकर हॉस्पिटल आया और तुम्हें यहाँ पर एडमिट भी करवाया। आप मुझे उठाकर यहाँ लेकर आए, आपने मुझे एडमिट करवाया। थैंक यू शिवा भैया, थैंक यू वेरी मच। अंकल ये कौन है? मेरी बेटी प्रिया। ओह, यहाँ आते ही तुम्हारी सेवा में लग गई। डॉक्टर को चेकअप के लिए बुलाया, दवाइयाँ लाई, बिल्कुल किसी नर्स की तरह तुम्हारी सेवा की। आपने मेरे लिए इतना सब किया, थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम्हें मारा किसने? मुझे उसका नाम बताओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। उसे घसीटता हुआ पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा मैं। शिवा भैया आपको पसीने आ रहे हैं ना, जाकर पंखा फास्ट कर दीजिए ना प्लीज। किसने किया बताओ, मैं आगे का प्लान करूं। अंकल आपकी प्रिया की तरह मेरी भी एक बहुत सुंदर बहन है। जब वो कॉलेज में थी तो एक सड़क छाप गुंडा उसे बहुत परेशान करता था। शिवा भैया मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपकी बहन को कोई छेड़ता तो फिर आप क्या करते? बताइए ना। मैं उसको तुम उसका नाम बताओ, मेरा बेटा उसकी हड्डियाँ तोड़ देगा। मैंने भी वही किया अंकल, मैंने भी उसकी हड्डियाँ तोड़ी थी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर क्या हुआ? फ्लैशबैक तो बहुत लंबा है अंकल, और बॉडी में एनर्जी बहुत कम है, कैसे बताऊँ। भैया जूस दे दो ना। हाँ हाँ जूस जूस। अरे देख क्या रहा है, बच्चे को जूस पिलाओ। पिलाता हूँ। बेचारा बच्चा ग्लास नहीं पकड़ पा रहा है, तू ही पिला देना। ठीक है पापा। शिवा भैया थोड़े पास आ जाइए ना प्लीज। प्रिया जी जूस आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ मैंने बनाया। आप भी इस जूस की तरह बिल्कुल स्वीट हैं। राहुल तो तुमने उसे मारा, फिर क्या हुआ? फिर मुझे एक लड़की से प्यार हो गया अंकल। आप तो जानते हैं आजकल प्यार करना कितना मुश्किल हो गया है। मैं समझ गया, उसके माँ बाप को तुम पसंद नहीं थे इसलिए तुम्हें गुंडों से पिटवाया, सही है ना? उसके माँ बाप को नहीं, उसके भाई को मुझसे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपको बताया ना, मैंने एक लड़के को मारा। हाँ ये वही है जिसे मैंने मारा था। अब वो हमारे प्यार में कांटा बनकर हमसे बदला ले रहा है, गधा कहीं का। लेकिन तुमने 3 साल पहले उसे मारा था ना, तो फिर से उसकी धुलाई क्यों नहीं कर देते? क्या अंकल कैसे मारू, मेरा फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर कैसे? अरे अंकल अगर मेरी उसकी बहन से शादी हो गई तो वो मेरा साला बन जाएगा ना। अब साले को मारना अच्छा नहीं लगता ना, वैसे भी हम साथ साथ हैं, क्यों शिवा भैया, है ना? सही कह रहे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। ए शिवा, इससे सीखना चाहिए तुम्हें जिंदगी कैसे जीते हैं। अरे अंकल ऐसे क्या कह रहे हैं, इन दोनों से मुझे सीखना चाहिए, ये दोनों मेरे लिए भगवान है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आई लव यू शिवाजी, आई लव यू प्रिया जी, अंकल आई लव यू ऑल्सो। उसने मेरे अंदर के पुराने शिवा को फिर से जगा दिया। नहीं, अब मैं बदल गया हूं, मुझे पहले जैसा बनने से रोक लो। आप अपनी इकलौती बहन की पसंद को ठुकरा तो नहीं रहे हो ना भैया? बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी बहन के लिए दुनिया का कोई भी लड़का चलेगा सिवाय उस राहुल के। तूने मुझसे कहा था ना कि मेरी हर बात मानेगी, मम्मी पापा के साथ दिल्ली चली जा, यहां से दूर। ठीक है भैया, मैं आपकी बात नहीं ठुकराऊंगी, क्योंकि मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना कि राहुल से करती हूं। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। शिवा, मैं जाकर देखता हूँ टिकट कंफर्म हुआ या नहीं, तुम यहीं रुकना। हम लोग अभी आते हैं, कहीं जाना मत। ठीक है माँ। चलो प्रिया। कम ऑन प्रिया, मैंने तो पहले ही कहा था कंफर्म टिकट्स लेने के लिए। हेलो हेलो शिवा भैया, थैंक यू सो मच। किस लिए? मम्मी डैडी के साथ अब प्रिया को दिल्ली भेज रहे हैं ना, इसीलिए। जोर से लगी थी, अब आराम मिला। हाँ तो जरा लेफ्ट में देखना। हेलो, मैं भी उसी फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ, ये देखो टिकट। यहाँ तुम कबाब में हड्डी बन गए, लेकिन वहाँ मेरे और प्रिया के बीच ना कोई हड्डी होगी ना कोई कांटा। एक बार तुम्हारे पापा ऑफिस चले जाएं, फिर मैं तुम्हारी बहन से रोमांस करूँगा। शिवा, I'm almost on the way. शिवा, टिकट्स कंफर्म हो गए हैं, अब हम चलते हैं। कैंसिल कर दो। हाँ? क्यों? अरे प्रिया को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। हाँ? ये गीता का फोन आया। क्या हुआ? क्या वो गीता प्रेग्नेंट है। हाँ? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी ऐसे रुक रुक के क्यों बता रहा है? कम ऑन माय बॉय, कांग्रेचुलेशंस। ये खबर सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी जल्दी क्यों? तुम अपनी बहू को बधाई देने के लिए बेताब नहीं हो क्या? और ये भी तो अपनी बीवी से मिलना चाहता है क्यों? हेलो हेलो हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। आप लोग अचानक कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे थे, लेकिन अब नहीं जा रहे। अच्छा क्यों? मेरा शिवा बाप बनने वाला है। ओह दैट्स ग्रेट न्यूज़। शिवा भैया, शिवा भैया, कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है, क्या खबर सुनाई है। काश आपको आप ही की तरह एक बेटा। अंकल कांग्रेट्स अंकल। थैंक यू आंटी, कांग्रेचुलेशंस। प्रिया कांग्रेट्स, कांग्रेट्स प्रिया। कितनी अच्छी खबर सुनाई तुम्हारे भैया ने। पापा, हमें घर के लिए देर हो रही है और राहुल को फ्लाइट के लिए देर हो रही है। फ्लाइट? हाँ मुझे? हाँ नहीं तो मैं तो एक फ्रेंड को छोड़ने आया था। और ये टिकट, ये तो सड़क से उठाई थी, मुझे एक नंबर लिखना था। पापा आप यहीं रुकिए, मैं कार लाता हूँ। हाँ भैया जाइए ना, जल्दी आओ। शिवा भैया, शिवा भैया क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तेरी माँ और प्रिया वहाँ वेट कर रहे हैं। बस थोड़ा रुकिए, 2 मिनट में स्टार्ट हो जाएगी पापा। ठीक है जल्दी कर। इसमें चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं पापा, मुझे लगता है कि इसके पेट्रोल पाइप में कुछ कचरा आ गया। चलो देखते हैं। मैं देखता हूँ। शिवा भैया, शिवा भैया, अरे छोड़िए ना शिवा भैया, आप मेरे साथ चलिए। राहुल मुझे पता है क्या करना है, ये मेरी गाड़ी है। ओके जल्दी कर, वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। शिवा भैया मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ? शिवा भैया कहा था रहने दो, लेकिन आप तो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। अंकल आप समझाइए ना। तुम जरा रुको राहुल। शिवा जल्दी से कचरा निकालो। अरे अंकल चलो जल्दी करो। वही कह रहे शिवा भैया, बोलो वहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मत कीजिए ऐसा। अरे शिवा, अरे खींचो उसे और देखो क्या हुआ। पापा लगता है पेट्रोल खराब हो गया है। बहुत बदबू आ रही है। बदबू तो आएगी ना, मैं जानता था। आजकल पेट्रोल में क्या क्या मिक्स कर देते हैं वो लोग। शिवा भैया प्लीज, शिवा भैया जिद मत कीजिए। चलिए अंकल, अपनी कार है ना, नई कार है, एसी है, मस्त एकदम। चलिए इसकी गाड़ी में चलते हैं। ए राहुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? बहुत सही है अंकल। गर्लफ्रेंड? मैंने तुम्हें बताया नहीं ना, ये एक लड़की से प्यार करता है। उस दिन उस लड़की के भाई ने ही इसकी पिटाई की थी। ऐसा था क्या राहुल? हाँ आंटी, उसने बहुत जोर से मारा मुझे। अरे रे रे, उसे हमारे घर लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहूंगी। डेफिनेटली आंटी, जरूर लाऊंगा उसे। दिखने में कैसी है वो राहुल? अब क्या तारीफ करूं अंकल, एकदम हमारे प्रिया जैसी है। उसकी शक्ल उसके भाई से बिल्कुल नहीं मिलती। एक नंबर का लफंगा है, गंदा आदमी है। देख लेना वो खुश नहीं रहेगा, दर दर की ठोकरें खाएगा। बेकार में किसी को गलत बोलना अच्छा नहीं है। लोग पत्थर मारेंगे उसको, सारी उम्र लंगड़ा लूला बन के मदद मांगेगा और कोई उसे पूछेगा नहीं। मुझे तो उसके माँ बाप पे तरस आता है, जाने खुद किस जाहिल खानदान के होंगे जो अपने बेटे को इतने गंदे संस्कार दिए हैं उन लोगों ने। माँ बस भी करो ना आंटी, उसने मुझे लात भी मारी। जब मैं यूपी पुलिस में थी ना तो ऐसे लोफरों को थर्ड डिग्री देती थी। जाने तो उस पर गुस्सा निकालने से क्या होगा लक्ष्मी। सही बोले पापा, गलती उसके पेरेंट्स की है जो उन्होंने उस पर बिल्कुल संस्कार नहीं किए। उनकी अकल पहले ठिकाने लगानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सुनो राहुल, उसके पेरेंट्स तुम्हें पसंद तो करते हैं ना? ये सब तो मैं उनका दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ। प्रिया उतरो, कुछ जरूरी काम याद आ गया पापा। गीता, गीता। मम्मी पापा चले गए ना, फ्लाइट टाइम पे थी। वो लोग बाहर हैं। क्यों, क्या हुआ? I'm really sorry गीता। पर हुआ क्या? मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो गीता। जानता हूँ तुम्हें ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन किसी से कहना मत कि ये झूठ है, प्लीज। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कह दिया है? 2 साल हो गए हमारी शादी को, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई। मम्मी पापा को असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा? मैं ये झूठ उनसे कैसे छुपाऊँ? I'm so happy गीता, I'm so happy। गीता बेटी, ये खबर सुनकर हम खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुझे जिंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं मिली। थैंक्स बेटा। मैं बस आपको बताने ही वाली थी। अब आपको बस आराम करना है। हाँ। गीता, अब बस आराम और कुछ नहीं, बाकी सब हम संभालेंगे। कैसी हो दिव्या? इतनी हैरान क्यों? पहचाना नहीं? तुम मुझे भूली नहीं हो। मैं तुम्हें भूल गया था, लेकिन तुम्हारे भाई ने याद दिला दिया। पहले मैं तुमसे प्यार करता था, अब तुम्हारा भाई मेरी बहन से प्यार कर रहा है। हिसाब बराबर हो गया। तुम्हारे भाई ने मुझे मारकर कहा था कि तुम्हें परेशान न करूं, तो मैंने नहीं किया। अब मैंने तुम्हारे भाई को मारा और कहा कि मेरी बहन का पीछा छोड़ दे, लेकिन वो मान नहीं रहा। अब कुछ तो करना पड़ेगा। आज के बाद अगर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का पीछा किया तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो पहले किया करता था। तुम्हें वो सब अच्छी तरह याद होगा। अपने भाई को समझाओ। आगे हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे यह तुम्हारे भाई के फैसले पर निर्भर करता है। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। टेक केयर, बाय। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? उसने तुम्हारी बहन को धमकाया, उसको अब हम छोड़ेंगे नहीं। पापा, वो क्या था कि मैं... राहुल की बातें सुनकर मैं हैरान हूं। राहुल, इसको बताओ क्या हुआ। शिवा, उसने मेरी बहन को धमकाया, इसीलिए मैं प्यार बुला रहा हूं। आज उसके भाई ने मेरी बहन को धमकाया, कहा मैं अपने प्यार को भूल जाऊं तो बेहतर होगा। मेरे प्यार से कहीं ज्यादा मेरा परिवार जरूरी है। नहीं राहुल, उसने धमकाया और तुम डर गए, ये ठीक नहीं है। तुम शादी करोगे तो उससे ही। क्यों? ये करेक्ट नहीं है पापा। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि राहुल ने जिस तरह बताया, उससे लगता है कि उसका भाई किसी भी हद तक जा सकता है। आज इसकी बहन को धमकाया, कल इसकी माँ को भी किडनैप कर सकता है ना पापा, परसों राहुल को भी मार देगा। क्या तू ये कह रहा है कि राहुल अपने प्यार की कुर्बानी दे दे? नहीं 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 नहीं, राहुल तो बहुत अच्छा लड़का है, प्यार और परिवार में परिवार को चुन रहा है। आप खुद बताइए, इतना शरीफ लड़का किसी लफंगो के परिवार में रह सकता है? हाँ, राहुल को उससे कई गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी। क्यों ना हमें इसके लिए अच्छी लड़की ढूंढ दे। हाँ राहुल, गुड डिसीजन, गुड। पापा, समहाउ आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस गाय। यस अंकल, आप में मुझे मेरे पापा दिखते हैं, सोचा आपको प्रॉब्लम बताऊंगा तो मन हल्का हो जाएगा। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो तो आई एम सॉरी अंकल। इट्स ओके राहुल। हाँ, बाय शिवा। हाँ। क्या बात है, सुपर्ब यार, सुपर्ब, कमाल कर दिया। साला मेरे पापा को बेवकूफ बना रहा था, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब कोई टेंशन नहीं है। ए, मेरे लिए एक लार्ज बना। मेरे लिए भी? कम ऑन, रिलैक्स बच्चा। आइए ना पापा, बस ऐसे ही थोड़ा सा। ए राज, मेरे लिए भी एक डबल लार्ज पेक बना। पापा, आप तो जब बहुत खुश होते हो तभी डबल लार्ज पीते हो, आज क्या वजह? तू है बेटा। मैं मुझे यकीन नहीं था कि तू कभी भी बदल पाएगा, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। आज ऐसा क्या हो गया अंकल? जिस तरह से इसने आज राहुल को समझाया, ग्रेट, क्या बात है, शाबाश बेटे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस प्रैक्टिकल बात की। उस लड़की के भाई जैसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, बस इसीलिए उसे बचे रहने के लिए कह रहा था। तूने राहुल को जो समझाया उसकी बात नहीं कर रहा, तुमने मुझे जो हिंट दिया उसकी बात कर रहा हूँ। कैसा हिंट पापा? जरा याद तो कर, तूने राहुल से क्या कहा था? हाँ, यही कि राहुल को उसे कई गुना अच्छी लड़की मिल सकती है। और क्या कहा था? हाँ, यही कि हम उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे। बस तेरी यही बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई। अंकल, हम कुछ समझे नहीं। अरे सुबह जब तुमने कहा कि राहुल को उससे बेहतर लड़की मिल सकती है, तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने सोचा कि क्यों ना हम वाकई उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढे। अरे समझा नहीं, प्रिया से अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? क्या है कि नहीं? अब तो उसका ब्रेकअप भी हो चुका है, हम उसके घर चलकर उसकी शादी की बात कर सकते हैं, क्या कहते हो? पापा, वो क्या है कि जरा सोचो पापा। अरे प्रिया बेटा, यहाँ आई। पापा आओ, यहाँ बैठो। हाँ पापा। देखो बेटा, हमारे हैदराबाद आने की दो वजह थी, एक तो तेरे भाई से मिलना और दूसरी तेरे लिए अच्छा लड़का पसंद करना। मुझे राहुल बहुत अच्छा लगा, तेरी क्या राय है? प्रिया, वो तुम शादी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करना चाहती थी ना? हाँ, बताओ ना पापा को, बताओ। हाँ पापा, भैया जो कह रहे हैं वही सही है। देखा, मैं सही कह रहा था ना पापा। यह तो पहले की बात है बेटा, अब तुम्हारा भाई भी यही चाहता है कि तुम शादी कर लो। अगर ये बात एक बार भैया खुद कह दे तो? उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे ये आइडिया तो इसने ही मुझे दिया है। ए, चल प्रिया को बोल राहुल से शादी करने के लिए, बोल। कुछ भी। पापा, मुझे लगता है कि शायद भैया को राहुल पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, राहुल को ये भी बहुत पसंद करता है। क्यों? हाँ बहुत। फिर बोल ना, इसको बोल राहुल से शादी करने के लिए। हाँ बोलता हूँ। प्रिया, तुम राहुल से शादी कर लो। हाँ कर लो, ठीक है। शिवा, क्या कर रहा है? देख, हमेशा तेरे गुस्से का फायदा उसी को होता है, अब भूल जाना सब कुछ। भूल जाऊं और अपनी बहन को उस कमीने से शादी करने दूं? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, तू मेरा दोस्त है, उसका साथी है। हाँ, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, साले को जान से मार दूंगा। ए, तू क्या बोल रहा है ये? जो तूने सुना, राहुल को अब मरना ही होगा। राहुल को मारकर तू जेल चला जाएगा, उससे क्या होगा? माना उसे मारना जरूरी है, पर तू मारे ये जरूरी है क्या? तो कौन? कालिया। ये बात हुई है ना? अंदर आ जा। भाई भाई, राज ने जिसके बारे में कहा था वो आया है। बैठिए। कितना है? टपकाना है? कितना? 10 लाख। ये लो, पूरी रकम है। गिन के लेना। ठीक है भाई। छोकरे की हिस्ट्री बता। नाम, पता और एड्रेस फोटो के पीछे लिखा है। अरे उठा उठा उठा। गिरा कैसे? बड़ी लगी तो नहीं? ये गिरा कैसे? जवाब दो। पता नहीं भाई, पता नहीं। साले तुम सब से मेरा एक भाई नहीं संभलता। बोल बे, मिल गया साला? मिला या नहीं? और कितना वक्त लगेगा? साला तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता। 2 दिन दे रहा हूं, बस 2 दिन। सारा एरिया छान मारो, बच के जाना नहीं चाहिए। इस बार अगर वो हाथ से गया तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, खाली हाथ मत आना, समझा? क्या हुआ राजू? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो, एम्बुलेंस बुलाओ। करो राजू, क्या पानी? जल्दी बोल, अपने भाई को बता। राजू क्या हुआ? राजू राजू क्या हुआ? राजू बोल बोल। राजू तू उसको पहचानता है क्या? ये वही है जिसने तुझे मारा था? मेरा काम हो जाएगा, चल निकल निकल। पैसे कम है क्या? और चाहिए तो बोलो। इसे मैं तेरे लिए नहीं, अपने लिए मारूंगा, चल निकल। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें पैसे डबल चाहिए? साले मुझ पे शक कर रहा है? बात समझ में नहीं आती है? आ मेरे साथ आ, देख 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 इसकी हालत देख, क्या हालत होगी मेरे भाई की। गोवा से आने के बाद ये एक जिंदा लाश बन गया है। लड़की से छेड़छाड़ करने की इसे ये सजा मिली। अब बता, क्या जवान लड़का मस्ती नहीं करेगा? इस कमीने ने मेरे भाई को बेरहमी से पीटा। मैं पागलों की तरह इसे ढूंढ रहा था, आज तेरी वजह से मिल गया। कब हुआ ये सब? 1 महीना पहले। क्या तेरा काम हो जाएगा? नहीं बचेगा, मुझसे नहीं बचेगा। आधे घंटे के अंदर ये यहाँ होना चाहिए। जाओ। हेलो प्रिया, गोवा में क्या हुआ था? गोवा के बीच पर क्या हुआ था प्रिया? सच सच बताओ। हेलो भैया, भैया मेरी बहन को छूने की हिम्मत कैसे की? आप कहाँ हो भैया? भैया भाई को मारो इसे। मेरे भाई को हाथ लगा, जिंदा नहीं बचेगा। भैया भैया हाय प्रिया। राहुल राहुल भैया। हाँ, क्या हुआ भैया को? तुम प्लीज ये सुनो। मार मेरे भाई पे हाथ मार के मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा कुत्ते। प्रिया भैया कहाँ गए थे? मुझे नहीं पता राहुल। घर से कब निकले थे? 1 घंटे पहले। ठीक है, एक काम करो, कॉन्फ्रेंस कॉल कट मत करना, फोन ऑन ही रखना। तुम्हारे भैया को मैं साथ लेकर आऊंगा। पता क्यों मारा मेरे भाई को? मारो साले को, हाथ पैर तोड़ दो इसके। थैंक यू फॉर कॉलिंग रिलायंस। हेलो, कुछ मत बोल, जो कहता हूँ सुन। हाँ बोल। अर्जेंटली एक नंबर ट्रेस करना है, जल्दी से नंबर लिख ले। 1 सेकंड। 9391 335417 ट्रेस कर। 9391 335417। ये तो धूलपेट का टावर दिखा रहा है। ओके, तो वो धूलपेट एरिया में कहीं है, मैं उन्हें पकड़ता हूँ। ओके बाय, थैंक्स। आज मैं तुझे मार डालूंगा। नहीं नहीं, रुक जा, इसको अभी मत मार, पहले उस लौंडे को आने दे, फिर दोनों का गेम साथ में बजाएंगे। शिवा, तू साले को मरवाना चाहता था ना, अब मैं उसको तेरे सामने मारूंगा, तू भी आज मरेगा। पता करो रे किधर है वो। खाली हाथ बताना सालो। जय साई राम। बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? अफजलगंज से। मुझे वहाँ जाने का रास्ता बताएंगे प्लीज? हाँ क्यों नहीं, यहाँ से सीधा जाना और बाएं मुड़ जाना, वहाँ से सीधा जाओगे तो उल्टे हाथ पे गली है, उस गली में मुड़ जाना, थोड़ा और आगे जाने के बाद दाहिने मुड़ जाना, वहाँ से सीधा चले जाना, आगे जाओगे तो दाहिने तरफ गणेश जी की मूर्ति दिखाई देगी, वहाँ से मुड़ जाना, वहाँ से सीधा जाओगे तो नाई की दुकान दिखेगी, वहाँ से बाएं मुड़ जाना और सीधा चले जाना, अफजलगंज पहुँच जाओगे। वो अब तक उसको लेके क्यों नहीं आए? जाके लेके आता हूँ। चलो चलो तुम लोग, तुम दोनों इधर ही रहना। हाँ, ये साला कहीं जाने ना पाए। शिवा कहाँ है? आज मेरा लक्की डे है रे। शिवा कहाँ है? शिवा कहाँ है? शिवा, शिवा, एक बात दिमाग में नहीं घुसी, ये तुझे मारने की सुपारी लेकर आया था यहाँ पे, और तू इसी का नाम जपते जपते यहाँ उसे बचाने के लिए आया है। लेकिन एक बात साफ है, तुम दोनों ने उस लौंडिया के लिए मेरे भाई को मारा। अब मैं उस लड़की को यहाँ लाऊंगा, फिर हम सब रंग रलिया मनाएंगे। तुम तीनों को तड़पा तड़पा के मारने के बाद मेरा इंतकाम पूरा होगा। आज मैं बताऊंगा कि मर्द किसे कहते हैं। लाओ रे उस लड़की को, मैं साबित कर दूंगा कि मैं मर्द हूँ। प्रिया तक पहुंचने से पहले तुम लोगों को मुझसे निपटना होगा। दस लोगों को लेकर एक लड़की पर जबरदस्ती करना कोई मर्दानगी नहीं है। जब एक आदमी तुम जैसे 10 कुत्तों पर भारी पड़ता है ना, तब उसे मर्दानगी कहते हैं। हरामजादा। शिवा, क्या शिवा, तूने ऐसा क्यों किया? पापा, वो मैंने इसलिए। मैं सब जानता हूँ क्या हुआ। राहुल ने क्या बताया? उसने मुझे बताया कि तू बाला के पास गया था। सॉरी पापा। सॉरी क्यों बेटा? तूने तो कमाल कर दिया। राहुल नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। भैया ने क्या किया पापा? ओह, तुम्हें नहीं पता? वो लड़की का भाई जिसने राहुल को मारा था, उसने बाला नाम के गुंडे को राहुल को मारने की सुपारी दी थी, और अपने शिवा ने अपनी जान जोखिम में डालकर राहुल की जान बचाई। ये करने से पहले मुझे बता देता बेटा। राहुल कहाँ है? जीजा जी। हा? मैं? हाँ, अंदर चलो ना, आराम से बैठकर बात करते हैं। नहीं शिवा भैया, मैं जा रहा हूँ। चलो ना प्लीज। नहीं प्लीज यार। अरे यार, इसको भी अभी निकलना था। रुक जाओ, मैं बांध देता हूँ। नहीं, थैंक यू शिवा भैया, थैंक्स। प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी बहन से शादी कर लो। प्लीज शिवा भैया, ना आपकी ना किसी और की, मुझे किसी की बहन से शादी नहीं करनी। मेरी बात जाने दीजिए, तुम जाओ। अरे प्रिया यार, आई वाज जस्ट किडिंग। राहुल नहीं, मैं मजाक कर रहा था। नहीं प्रिया, मेरी बात तो सुनो। रुको उसे। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था यार। आ जाओ साले साहब, आप भी आ जाओ। अरे समझाओ ना इसे यार, अच्छे से पकड़ो नहीं तो भीग जाएंगे। अच्छा छोड़ो यार, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे दिल्ली कहाँ जा रहे हो? चलो यहाँ चलो। तुम भी कमाल के हो, आप भी कुछ कम नहीं हो साले साहब।